हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल हार्टफुलनेस ओम और आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी जयपुर के हॉल की वीडियो एज यू नो बाय द टाइटल ऑफ कोर्स सो द फर्स्ट थिंग इज दिस ब्री पोट्री इट्स ए लाइक अ वॉस स्मॉल वॉस एंड इसका जो प्राइस था वो थ्री हंड्रेड रुपीज़ था और सीरियसली जिस एरिया में हम थे लाइक नियर बाई हवा महल वहाँ पे ये आसपास में बिल्कुल भी इजीली अवेलेबल नहीं था एक जगह उन्होंने बताई थी जहाँ पे टोटली ब्लू पोट्री का सामान मिलता है बट वो थोड़ा दूर थी तो बहुत डिफ़िकल्ट था ब्लू पोट्री का ये एक सिंगल पीस भी मेरे लिए फाइंड करना बट फाइनली एक पीस तो मिल ही गया एंड उसका प्राइस था थ्री हंड्रेड रुपीज़ ये है एयरिंग्स ये मेटल के है और बहुत ही प्यारे लगते हैं पहने हुए आई I मीन mean, जयपुरी लुक आती है राजस्थानी लुक और ये इस तरह से लग रहे थे जब मैंने पहने थे वहाँ पे इनका प्राइस था वन फिफ्टी रुपीज़ एंड ये बैंगल्स है ये मेटल की है इसके ऊपर मोर का डिज़ाइन बना हुआ है और बहुत अच्छी है कलर नहीं जाएगा आई थिंक मुझे टू मंथ्स हो चुके हैं पहने हुए इन बैंगल्स को और 300 की वो दो बैंगल्स थी ये लाख की बैंगल्स है अभी जो आप देख रहे हो ये बैंगल ओब्वियसली मैंने आई थिंक इसे टू मंथ से ज़्यादा पहन लिया है तो रेगुलर पहनने की वजह से जो है ये मिट्टी की बनी होती है लाख की जो मिट्टी होती है तो वो ख़राब होने लग जाता है तो ओब्वियसली जो भी तार थी वो दिख रही थी उनका जो प्राइस मुझे अच्छे से अभी याद नहीं है बिकॉज आई थिंक मैंने टोटल पेमेंट वन थाउजेंड या एट हंड्रेड की थी विद द मेटल बैंगल्स और लाख की बैंगल्स और नेक्स्ट जो है ये एक स्मॉल uh, शॉप इस टाइप का है जिसका प्राइस आई थिंक 150 फिफ्टी था कैमल का वो एक मसाला होता है आई थिंक उसका बना होता है मुझे एक्जैक्टली exactly पता नहीं है मुड़ भी जाता है वो थोड़ा ना लाइक अगर आप उसे ज़्यादा प्रेस करेंगे तो मुड़ जाएगा तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको नेक्स्ट थिंग जो बहुत कॉमन है ऑब्वियसली राजस्थान जयपुर में वो है कठपुतली और इसमें मैंने बहुत बड़ी मार खाई लाइक बारगेनिंग में अगर आप दिल्ली से हो तो प्लीज़ बार्गेनिंग तो आपको ईजिली आनी चाहिए बट मैं इसमें फेल हो गई बिकॉज आई कूडेंट बार्गेन टू हंड्रेड की उन्होंने मुझे ये एक पीस दिया कटपुटली का मतलब सेट तो आप प्लीज़ बार्गेन करें हंड्रेड रुपीज़ का आपको इजली सेट बाहर रोड पे मिल जाएगा तो हंड्रेड रुपीज़ का कटपुटली सेट ये जो नेक्स्ट थिंग थी मार्बल uh, के एलिफेंट्स थे जो हमने परचेज़ किए थे ये आई थिंक थोड़े कॉस्टली थे मुझे अभी इसका प्राइस नहीं है आई विल पुट हेयर तो नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कुर्ता जो कि आई थिंक हंड्रेड से वन फिफ्टी रुपीज़ के बीच में था और ये स्कर्ट थी जो वन थाउजेंड रुपीज़ की थी जो पूरा ये सेट आई थिंक मुझे पड़ा ये ट्वेल्व हंड्रेड का पड़ा होगा आई थिंक uh, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं बट वन थाउजेंड की स्कर्ट थी टू हंड्रेड ऑलमोस्ट का टॉप था और ये जो है ये मार्बल के ऊपर डिज़ाइन है एक शो पीस है और ये इसके साथ हैंड लाइक like, uh, इसके रखने के लिए भी स्टैंड है तो इसका भी प्राइस आई थिंक मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है बट मैं ऊपर यहाँ पे लिख दूँगी और ऑब्वियसली मोजरी जो इजीली हर जगह अवेलेबल है जयपुर में अब टू हंड्रेड की थी वो और ज़्यादा अच्छे से ठीक चल रही है टू मंथ्स हो गए बट नीचे से क्रैक होने लग गई है नेक्स्ट थिंग माई फेवरेट आई लव दिस सूट लव द कलर ओ माई गोल्ड गोटापट्टी सूट है बहुत ही सुंदर है मुझे बहुत ही पसंद आया ये आई रियली लव 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 दिस सूट और इसका दुपट्टा बहुत बड़ा है इजिली कैरी हो जाता है इस तरह से लगता है पहना हुआ टू इसका प्राइस है एक होलसेल मार्केट होलसेल शॉप आई थिंक वहाँ से मैंने लिया था आई वी हैव टू सर्च द गार्ड उनका जो उसमें लिखा था तो वहाँ से लिया था और ये बहुत अच्छा बना इसका जो सिल्क मटेरियल है आई थिंक ये और इसे सिलवाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी क्योंकि सिलने में थोड़ा प्रॉब्लम आई थिंक आई थी, थी टेलर को और इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था हल्का सा डिफेक्ट भी था सेकेंड थिंग दिस सूट ये कॉटन का सूट है इसके ऊपर जो प्रिंट है जो भी है वो एक फेसेस होते हैं जो राजस्थानी आई थिंक वैसा है बहुत अच्छा सूट है इसका जो प्राइस था आई थिंक वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी और इस तरह से लग रहा था ये पहन के बहुत अच्छा था मतलब मिट मिट मीटर वगैरह जो भी है जो कुर्ते के लेंथ होती है काफ़ी अच्छी थी और मुझे अच्छा लगा और ये है जो सबसे अच्छ, अच्छी अच्छी चीज़ मतलब मुझे लगी ये है वहाँ की राजस्थानी रजाई जो काफ़ी अच्छे से फोल्ड हो जाती है और लगेज जो हमारा कैरियर बैग होता है ना उसमें आ जाती है इजिली यू डोंट हैव टू वरी आज आराम से आ जाएगा और इसका जो प्राइस था वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी था इसका प्राइस मतलब ठीक है ये बच्चों के कुछ कपड़े हैं जो कि आई थिंक थ्री हंड्रेड का या टू फिफ्टी का सेट था मुझे मतलब अच्छा लगा तो मैंने ले लिया और यहाँ तो ये थी मेरी वीडियो जयपुर हॉल की आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग